नमस्कार दोस्तों, देश की बात में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमित शाह पर। अमित शाह जो कि अभी तक हमने उनका देखा संगठन चलाने की जो क्षमता है वो अद्भुत है, हमने ये देखा। इसी वजह से उनको भारतीय राजनीति का चाणक्य भी कहा जा रहा है, और कहा भी क्यों न जाए, क्योंकि अगर आप पिछले 2014 के बाद से अभी तक का आप जितने भी चुनाव हुए हैं उसका आकलन करेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में उनके पास चाणक्य जैसा दिमाग है। किस प्रकार कहते हैं कि भारत जो है एक जटिल देश है, क्योंकि यहाँ हर 3 किलोमीटर पर कल्चर लैंग्वेज बदलता है और विभिन्न तरह के ट्रेडिशंस हैं। एक ही परिवार में कई तरह के अलग अलग सोच रखने वाले लोग मौजूद रहते हैं। उस देश में उस देश को समझना कितना मुश्किल होता है। 2014 से पहले अमित शाह की जो राजनीतिक जीवन था वो गुजरात तक ही सीमित था, लेकिन किस प्रकार उन्होंने उत्तर प्रदेश में, जो कि एक बहुत ज़्यादा जात के लिए माना जाता है कि वहाँ का जो जातीय इक्वेशन है वो बहुत ही जटिल है, टफ है, लेकिन वैसी जगह पे भी आपको याद हो 2014 में उनको यूपी का कमांड दिया गया था और उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था और 72 सीट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 80 में से 72 सीट लोकसभा सीट 2014 में जीते थे, और उसी प्रकार से फिर से इतिहास दोहराया इस बार और असेंबली इलेक्शंस में भी। मसलन कि आप जितने भी बड़े चुनाव हुए हैं, चाहे राज्य के हैं या लोकसभा चुनाव हुआ है, उसमें अमित शाह का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। लेकिन आज हम जिस पर चर्चा करेंगे वो उनके प्रदर्शन पे नहीं, बल्कि उनका अचानक से उनके कद में इजाफा करना। मसलन कि अभी तक कहा जा ये जा रहा था कि अमित शाह संगठन में काम करेंगे, बीजेपी पार्टी के अंदर काम करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वो बीजेपी को और मजबूत करेंगे। वो अभी क्योंकि दिल्ली में चुनाव होने वाला है कुछ महीने बाद, बिहार में होने वाला है फरवरी के आसपास, वहाँ भी चुनाव होने वाला है। ममता बनर्जी ने जो चुनौती पेश की है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर बीजेपी को सत्ता दिलानी है, मतलब कि चुनौतियाँ उनके लिए था। लेकिन अचानक से अमित शाह को सरकार में लाया गया है और नंबर 2 का पद दिया गया। देखिए, गृह मंत्री बने हैं और ये बहुत बड़ा फैसला है बीजेपी का, क्योंकि गृह मंत्री जो होता है वो नंबर 2 का कद रखता है देश में। उनको उप प्रधानमंत्री यानी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर माना जाता है, तो अमित शाह को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अचानक से क्यों बनाया गया, क्या वजह रही कि जो सीनियर मोस्ट नेता हैं राजनाथ सिंह, वो भी अच्छा खासा काम कर रहे थे, कोई बड़ी वजह नहीं थी कि उनको दरकिनार करके अमित शाह को लाया जाए, लेकिन लाया गया। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि कुछ एक मसले हैं जिसके ऊपर शायद बीजेपी बड़ा कदम उठाने वाली है, क्योंकि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मसला हो, चाहे आर्टिकल 370, आर्टिकल 15 जो कि जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है, उन पर एक्शन लेने के लिए, चाहे यूनिफॉर्म जो कोड क्या कहते हैं कश्मीर और विशेष राज्य का जो दर्जा है उसको समाप्त करने को लेकर बीजेपी कई सालों से या यूं कहिए कई दशकों से वादा करते हुए आ रही है। क्या पता इस बार मन बना लिया हो कि वो कोई बड़ा कदम उठाएगी। और वेस्ट बंगाल में जो हिंसा हुई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, जिसमें कई सारे कार्यकर्ता मारे गए हैं, तो क्या हम मानकर चलें कि अमित शाह अपने गृह मंत्रालय से इन राज्यों पर काबू करने वाले हैं? क्या बीजेपी तैयारी कर रही है कि 370 धारा को समाप्त किया जाए? दोस्तों, अगर मैं कहूं कि हाँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा आश्चर्य करने की बात भी नहीं होगी, क्योंकि अभी तक जो हिंट्स मिले हैं इससे यही प्रतीत हो रहा है कि बीजेपी बड़ा कदम उठाने वाली है। अमित शाह को अचानक से गृह मंत्रालय दे देना, गृह मंत्रालय के अधीन बहुत ज़्यादा पावर होता है दोस्तों, आप ये समझने की ज़रूरत है, या यूँ कह सकते हैं आप दूसरे तरीके से समझें तो कि सभी मंत्रालयों से सबसे ताकतवर मंत्रालय है, क्योंकि पूरे भारत का पुलिस महकमा इसी मंत्रालय के अंदर आना है, पैरामिलिट्री फोर्सेस या फिर इंटरनल सिक्योरिटी से, चाहे रॉ हो या IB हो,
वो सारे रिपोर्ट करते हैं गृह मंत्रालय को। तो ऐसे में इस नाजुक क्षण पर अगर उनको ऋण दिया गया है, सौंपा गया है, तो जरूर कोई वजह होगी। लेकिन अब क्या धारा 370 समाप्त करना इतना आसान है? कदापि नहीं। अगर इतना आसान होता तो अब तक नरेंद्र मोदी के पहले ही टर्म में समाप्त कर दिए होते हैं, या उससे पहले वाली जितनी भी सरकारें हैं वो समाप्त कर दिए होते। लेकिन पर आज तक किसी सरकार ने कोशिश नहीं की, ये ध्यान देने वाली बात है। कांग्रेस से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम अपीजमेंट का कार्ड खेलते आई है और वो कभी करती भी नहीं। लेकिन मैं अच्छी बात इसलिए कहूँगा क्योंकि अभी तक जिस पॉलिसी जिस धारा 370 को हम मानते हुए फॉलो करते हुए आ रहे हैं, वो वास्तव में वो जम्मू एंड कश्मीर के विकास में कोई खास योगदान कर नहीं पा रहा है। आज देख लीजिए जम्मू एंड कश्मीर की हालत क्या है। ऐसा शायद ही कोई दिन जाता है जिस दिन हम न्यूज़ में नहीं पढ़ते हैं कि वहाँ एनकाउंटर हुआ हो और आतंकवादी मारे गए हैं या फिर हमारे सैनिक शहीद हुए हैं। तो जब परिस्थिति इतना खराब है, वैसे में क्यों ना बड़ा कदम उठाया जाए, क्यों ना धारा 370 को समाप्त कर दिया जाए और कश्मीरियों को आम भारतीयों की तरह ट्रीट किया जाए, क्यों ना आम भारतीयों के साथ उनको घुलने मिलने का मौका दिया जाए और आम भारतीय ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जम्मू एंड कश्मीर में जाएँ, वहाँ रहें, ताकि उनकी जो फिक्स माइंडसेट है, ये कहते हैं कुएं का मेढक, वो वाला जो वो सोच है ना, उनसे बाहर आने की ज़रूरत है। क्या मिला जम्मू पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, सोचना चाहिए। 370 के अंदर रहकर केवल राजनेता अमीर होते गए। आपने कभी सुना कि किसी राजनेता ने अपने बच्चों को बंदूक देकर जिहादी बनाया हो या फिर सो कॉल्ड क्रांतिकारी बनाया हो कश्मीर की आज़ादी के लिए? नहीं, केवल आम जनता को भड़काया जाता है। और दुख की बात तो यह कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी जिहाद के चक्कर में आ जाते हैं, आतंकवादियों के चक्कर बातों में आ जाते हैं। लोकतंत्र के नाम पर बस 10 से 15% वोटिंग होती है वैली में। वैली को कहा जाता है कि वैली को तीन टुकड़ों में देखा जाता है, लेह लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। लेह लद्दाख और जम्मू की हालत तो फिर भी ठीक है, लेकिन खासकर कश्मीर जो वैली है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है हमेशा। तो मेरा मानना है कि 370 गारंटी तो देखिए नहीं है कि 370 समाप्त हो जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन चांस तो लेना ही चाहिए, क्यों ना लिया जाए। अब तो सेंटर में मजबूत सरकार है, लेकिन कुछ दोस्तों कुछ टेक्निकल बाधाएं हैं। धारा 370 में कहा गया है कि जब एसेशन हुआ था कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर का भारत में, तो उसमें उस समय कहा गया था कि ये 370 तभी समाप्त हो सकता है जब वहाँ का जो स्टेट असेंबली है वो रेकमेंड करे भारत सरकार को इसे समाप्त करने के लिए पार्लियामेंट में। लेकिन आज के हालात में ये मुमकिन नहीं है क्योंकि वहाँ अभी गवर्नर रूल है और बीजेपी अभी वहाँ पर, हालांकि शायद सबसे बड़ी पार्टी है वहाँ की, नहीं, पीडीपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन इसके बावजूद उनके पास 2/3 बहुमत नहीं है जिससे कि स्टेट असेंबली में ये बिल पास किया जा सके फॉर द रिपीलिंग ऑफ आर्टिकल 370। बट आई वॉज रीडिंग, एक एक्सपर्ट का व्यू मैं पढ़ रहा था कि नहीं, अगर भारत सरकार चाहे तो कानून लाकर ये 370 को समाप्त कर सकता है। कई सारी टेक्निकल बैरियर्स हैं इसमें, जैसे मैं पढ़ रहा था कि 1974 में इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच में एक पैक्ट हुआ था, जिस पैक्ट के तहत कहा गया कि जो भारत और जम्मू एंड कश्मीर का जो रिलेशन है वो आर्टिकल 370 के एम्बिट में रहेगा, यानी उसके प्रावधान के अंदर ही रहेगा। अगर 370 को हम समाप्त करते हैं तो जो जम्मू एंड कश्मीर का एसेशन है भारत में, जो भारत में जो मिलन हुआ है उसको इलीगल माना जाएगा। लेकिन माय पॉइंट इज कि कौन कहेगा इलीगल? पाकिस्तान तो वैसे भी इलीगल कहता है शुरू से ही, तो पाकिस्तान के स्टैंड कुछ चेंज नहीं होने वाला। यूएनओ में भारत की स्थिति अभी बहुत मजबूत है, सबको पता है, जो जो यूएनओ में के जो मेन मेन पार्टनर्स हैं, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूएस यूएस हो, सारे भारत के पक्ष में। यस, चाइना बैरियर ला सकता है लेकिन उसे कुछ खास होना नहीं है। यूएनओ अभी तितलेस
संगठन है। हम सब ने देखा कि सीरिया में, चाहे तिब्बत में, जहाँ भी कुछ नाजायज हो रहा है उस पर यूएनओ खास कुछ कर नहीं पाया। तो भारत को कोई वजह नहीं है डरने की कि यूएनओ में कुछ होगा या यूएनओ कुछ सैंक्शन ला सकता है भारत के खिलाफ, ऐसा कुछ नहीं होना है। तो माहौल माकूल है अमित शाह, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अमित शाह ने जो पहली मीटिंग की है वह जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक के साथ ही की है, कुर्सी होम मिनिस्ट्री की कुर्सी संभालते ही। तो निश्चित रूप से कुछ प्लान तो चल ही रहा है, और भारतीय होने के नाते हमें और आपको तो ऐसे कदमों का वेलकम करना चाहिए, क्योंकि रिफॉर्म की ज़रूरत है। मैं हमेशा से, मैंने जितनी हिस्ट्री पढ़ी है, जितना आकलन मैंने किया है, मैं खुद पाता हूँ कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही है जो कि स्टेटस को में बिलीव करती है, मतलब जैसे हालात हैं वैसे ही बने रहने दो, कभी रिस्क नहीं लेना, कभी रिफॉर्म नहीं करना। हालांकि देखिए एक्सेप्शनल हैं, जो कांग्रेस प्रेमी होंगे वो कहेंगे कि नहीं नहीं ये उन्होंने कांग्रेस ने ये किया वो किया, लेकिन जहाँ तक मेजर फैसलों की बात है, बड़े कदम उठाने की बात है, तो यहाँ पर फेलियर रही है। तो हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए कि देश के पास एक मजबूत सरकार मिली है। तो जम्मू एंड कश्मीर की भलाई के लिए अगर ऐसा कदम उठाने के लिए भारत सरकार सोच रही है तो मोर देन वेलकम होना चाहिए, क्योंकि बहुत हिम्मत चाहिए। बवाल होंगे होंगे, विरोध होंगे, जिस तरह से PDP के जो अध्यक्ष हैं महबूबा मुफ्ती हो, या NC के जो अध्यक्ष हैं फारूक अब्दुल्ला, जिस तरह से भारत सरकार को धमकाते हैं कि हम बंदूक उठा लेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मुझे नहीं लगता कि अगर भारत चाह ले अपनी पूरी शक्ति पे आ जाए तो वे कुछ बिगाड़ सकते हैं देश का। और उनको सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही वो राजनेता हैं जो कि कश्मीर को दलदल की ओर ले गए हैं। अगर वे अच्छे होते हैं, डेमोक्रेटिक होते हैं, इन्होंने अगर काम किया होता तो जम्मू कश्मीर में वोटिंग परसेंटेज 5 से 10% नहीं होता, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर नहीं, कश्मीर में वैली में। तो वैली के हालात सुधारने के लिए ज़रूरी है बड़े कदम उठाए जाए, वहाँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी खोला जाए, शेष भारत के लोग वहाँ जाएँ, वहाँ बिजनेस करें, वहाँ इंडस्ट्रीज़ खोले, वहाँ के लोग इधर आए, तो कुछ नया कदम उठाया जाए। इसलिए अमित शाह को शायद अचानक से होम मिनिस्टरी बनाया गया, नहीं तो क्या वजह होती। अमित शाह पार्टी अध्यक्ष के रूप में अच्छी बेहतरीन काम कर रहे थे, उनको वेस्ट बंगाल में अभी BJP को सत्ता दिलाना था। जिस तरह से टकरार चला अमित शाह और ममता बनर्जी में, तो अमित शाह को अभी जवाब देना बाकी था। दोस्तों दूसरा, मेरा आकलन ये है कि अमित शाह कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं वेस्ट बंगाल के मामले में। जो होम मिनिस्ट्री होता है वो IPS जो बड़े पद होते हैं किसी भी पुलिस महकमा में, उसके अपॉइंटमेंट्स में अहम भूमिका होती है। तो वह अपने जो फेवरेट ऑफिसर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट कर सकते हैं वेस्ट बंगाल में, और हालात अगर बिगड़ी तो नो वंडर वहाँ पर गवर्नर रूल लागू हो सकता है, TMC की सत्ता को उखाड़ कर फेंका जा सकता है। मैं नहीं कहूँगा कि ये जायज़ तरीका है लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक सरकार को वहाँ सरकार में बने रहने का पूरा हक है, लेकिन जिस तरह से हिंसा फैला रही है ममता बनर्जी की सरकार, जिस तरह से वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ज़ीरो दिख रहा है, क्योंकि चाहे वो TMC के गुंडे हो या BJP के गुंडे हो, जब मन आता है तो वहाँ पर हिंसा फैला रहे हैं। इससे यही पता चलता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल नाजुक है, हालात बुरा है। सोचिए कि आम जनता को कितना खौफ होता होगा। मैं तो, मेरे कोलकाता में बहुत सारे दोस्त हैं, वो लोग बता रहे थे कि हालात इतनी ख़राब है कि लोग, माँ बाप डर रहे हैं, बच्चों को बाहर घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी को इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, खुद में सोचने की ज़रूरत है कि वो राज्य को, प्रदेश को किधर ले जा रही है। तो दोस्तों अमित शाह, अमित शाह पर सबकी नज़र रहेगी कि आने वाले कुछ दिनों में वो कौन सा कदम उठाने वाले हैं। निश्चित रूप से चाहे वो नक्सलवाद हो, या नॉर्थ ईस्ट में जो एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट्स हैं उन पर नियंत्रण करना हो, या फिर NRC के बाद जो माहौल बदला है असम में और वेस्ट बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में, उनसे संबंधित कौन से कदम उठाने जा रहे हैं होम मिनिस्ट्री, ये देखने की बात होगी। तो नज़र रखिए अमित शाह के ऊपर, राजनीति के ऊपर सजग रहिए, अपना अपनी राय ओपिनियन ज़रूर दीजिए, क्योंकि जो राजनेता होते हैं वो केवल अपना स्वार्थ देखते हैं, लेकिन आपका कर्तव्य है कि आप देश हित में अपनी बात रखिए, मजबूती से रखिए, और इन नेताओं के चक्कर में मत आइए, हिंसा बिल्कुल मत फैलाइए। लोकतांत्रिक देश है, आप और भी तरीके हैं अपनी बात रखने का, लेकिन हिंसा तो कदापि नहीं है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू।